शांति। दो तारीख की मुड़ रही है और अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली की तारीख है 23/12/87। और जिस टॉपिक पर बाप दादा ने आज चलाई है वो है मनन शक्ति और मगन शक्ति। सुनते ही बाप दादा ने आज क्या कहा। आज डबल ताजधारी डबल राज्य पदाधिकारी बनाने वाले बाप विशेष अपने डबल विदेश बच्चों से मिलने आए। बाप दादा देख रहे चारों ओर के डबल विदेशी सेवा के उमंग उत्साह से सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं। हरेक के मन में यह उत्साह है कि मैं बाप का झंडा लहराना है। तो मिलन किससे मनाने आए। तो एक पापा ने कहा डबल ताजधारी डबल राज्य अधिकारी ऐसे बनाने वाले विशेष बाप और डबल विदेशी बच्चों इनसे बाबा मिलन मनाने आए। और विशेषता क्या देखी बाबा ने। बाप दादा देख रहे हैं कि चारों ओर के डबल विदेशी स्नेही और सहयोगी डबल विदेशी स्नेही सदा सेवा के उमंग उत्साह लहराना है। हर दिन उत्साह के कारण संगम युग को उत्सव प्रमाण अनुभव करते उड़ते जा रहे हैं। क्योंकि जहां हर समय उत्साह है चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। तो उत्सव और उत्साह ये दो चीज बाबा ने कहा। और बाबा ने ये कहा कि संगम युग को हम कैसे अनुभव कर रहे हैं कि जैसे कि ये कोई उत्सव हो। हर दिन ये जो पल बीत रहे हैं हमारे जीवन के जो भी घटनाएं घट रही हैं तो हम भीतर में जो फीलिंग कर रहे हैं महसूसता कर रहे हैं उस महसूसता को बाबा कहते हैं वो उत्सव का अनुभव हो। और ये उत्सव के पीछे उत्साह शब्द है। उत्साह पैदा कैसे होता है उसमें दो बातें बाबा ने बताई कि अगर इस संगम युग को उत्सव का अनुभव करना है तो उत्साह का अनुभव चाहिए क्योंकि उत्सव का आधार उत्साह है। अगर उत्साह है तो हर पल उत्सव का अनुभव होगा। और जहां तक संगम युग की बात है संगम युग का हर पल अगर उत्सव की तरह अनुभव करना है तो अपने भीतर में उत्साह की उपस्थिति को सेंस करो। कैसे होगा ये उत्साह ये किस उत्साह की बात बाबा कर रहे हैं। हर समय उत्साह है चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का। दो चीजें हैं चाहे बाप दादा से याद द्वारा मिलन मनाने का मतलब बाबा से हम जो मिलन मनाते हैं याद के द्वारा तो याद के द्वारा बाबा से जब मिलन मनाते हैं तो उसका आउटपुट क्या होना चाहिए। उत्साह मैंने बाबा को याद किया और याद करने के बाद मेरा उत्साह कई गुना बढ़ गया। यही उत्साह जो है वो उत्सव है।
इसी उत्साह के कारण हम अपने जीवन की हर कर्म शैली को, अपने जीवन में आने वाली हर घटना को या घटना में हम उत्सव सा अनुभव करेंगे। फिर दूसरा कहा, उत्सव कहां से पैदा होता है? बाबा के हिसाब से किस उत्सव की बात हो रही है? चाहे सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, सेवा द्वारा प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने के अनुभव के उत्साह में, जो मैं सेवा करता हूं और अगर उस सेवा का जो आउटपुट है, जो रिजल्ट है, आउटकम है, मेरे भीतर में उत्साह का इमर्ज हो जाना या मेरे भीतर में उत्साह का की उपस्थिति हो जाना, तो ये दोनों उत्साह हर घड़ी हर दिन उत्सव का अनुभव कराते हैं। ठीक है, अब ये दो उत्साह हो गए, मतलब एक अगर इन शॉर्ट हम बात करें तो याद के द्वारा और सेवा के द्वारा अगर उत्सव का अनुभव हो, अगर उत्साह का अनुभव होता है तो देखिए, हो सकता है आप याद कर रहे हो और सेवा भी कर रहे हैं पर उत्साह नहीं है अंदर में, मतलब उसको करने में उत्साह फील नहीं हो रहा, आपको खुद को फील नहीं हो रहा है, छोड़ो दूसरों की बात छोड़ो, लेकिन जब मैं खुद सेवा कर रहा हूं या जब मैं बाबा को याद करता हूं तो मुझे जो उत्साह का अनुभव होता है, ये अनुभव किसको कंट्रीब्यूट करेगा? संगम युग के हर घड़ी को उत्सव की तरह अनुभव करने के लिए ये कारणीभूत होगा। तो हर बाबा का बच्चा संगम युग से गुजर रहा है, हर बाबा के बच्चे को संगम युग है और संगम युग चल रहा है, ये सुना है, इसकी अवेयरनेस है, लेकिन जिस उत्सव को अनुभव करना है, उत्साह को अनुभव करना है, वो मिसिंग है। तो याद और सेवा, तो याद के द्वारा अगर उत्साह पैदा होता है, सेवा के द्वारा अगर उत्साह पैदा होता है, तो उत्सव का अनुभव नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। दुनिया के लोग विशेष उत्सव के दिन उत्साह का अनुभव करते हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माओं के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। अगर इस संगम युग पर हम उत्साह को अनुभव नहीं कर पाए, ऐसा नहीं कि बाबा का हर बच्चा ये नहीं जानता हो कि ये कौन सा युग चल रहा है, लेकिन हो सकता है कि अपनी दिनचर्या में वो उत्सव जैसा भीतर की अनुभूति को नहीं कर पा रहा हो, क्योंकि उत्साह इज मिसिंग। इसलिए बाबा ने एक वाक्य यूज किया, ब्राह्मणों के लिए संगम युग ही उत्साह का युग है। हर दिन नया उत्साह, उमंग उल्लास स्वतः ही अनुभव होता रहता है, इसलिए संगम युग के हर दिन खुशी की खुराक खाते, बाप द्वारा अनेक प्राप्तियों के गुण गाते, डबल लाइट बन सदा उत्साह में नाचते रहते हैं। अब कहा, जिनके लिए हर दिन नया उत्साह है, उमंग उल्लास है और वो स्वतः ही अनुभव हो रहा है, स्वतः का मतलब है कि आपको इसके लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, तो ये जो खुशी की खुराक वो खा रहे हैं, ये जो खुशी हो रही है उनको, अनेक प्राप्तियों के गुण गा रहे हैं, डबल लाइट हैं, तो बाबा कहते हैं कि उत्साह में बाबा के वो बच्चे नाचते रहते हैं। हर कर्म तुम्हें ऐसा न लगे कि काम कर रहा हूं, तुम्हें ऐसा लगे कि नृत्य कर रहा हूं। नृत्य का जो आनंद है वो कर्म के दौरान मुझे प्राप्त होने लगे, उसके पीछे का मूल आधार क्या है? उत्साह। तो अगर उत्साह आपने में उत्साह नहीं है, और उत्साह का आधार क्या बाबा ने बताया? याद और सेवा, योग और सेवा। तो योग और सेवा से जो उत्साह पैदा होगा, उस उत्साह की वजह से मुझे संगम युग की हर घड़ी हर पल खुशी का अनुभव होगा, और तब मैं इस बात का साक्षी हो जाऊंगा,
मैं उस बात का एक सबूत हो जाऊंगा अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी कि संगम युग जो है वो उत्साह उमंग का युग है हम ब्राह्मणों के लिए खास। उत्सव में क्या करते हैं? खाते हैं, गाते हैं और नाचते हैं। अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां हो रही हैं। खाना, गाना, बजाना और नाचना, यही करेंगे ना, और मिलन मनाएंगे। क्योंकि देखिए तारीख 23/12 की है और ऑलमोस्ट 25 को उनका क्रिसमस होता है, तो बाबा उसी को का रेफरेंस देते हुए हमसे क्या कह रहे हैं? खाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। अभी विदेश में विशेष क्रिसमस मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। खाना, गाना, बजाना और नाचना, यही करेंगे ना, और मिलन मनाएंगे। आप हर दिन क्या करते हो? अमृत वेले से लेकर रात तक यही काम करते हो ना, सेवा भी करते हो, सेवा अर्थात ज्ञान डांस करते हो, बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो। डांस क्या है? बाबा ने कहा जो सेवा करते हो ना वो डांस है, नृत्य है। मतलब सेवा से मुझे नृत्य करने का जैसा अनुभव हो, जो अनुभव हम लौकिक नृत्य करके करते हैं, तो वो अनुभव सेवा करके मुझे उपलब्ध हो जाए, लौकिक नृत्य करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि ये अलौकिक डांस है। डांस शब्द भले बाबा ने इस्तेमाल किया, क्योंकि सेवा डांस कैसे बनती है? जब सेवा के भीतर में गहरा उमंग और उत्साह होता है, इसकी वजह से जो सेवा है वो डांस या नृत्य में कन्वर्ट हो जाती है। हम स्थूल डांस न भी करें, लेकिन सेवा अपने आप में भीतर में नृत्य का माहौल पैदा कर देती है, नृत्य की मनस्थिति पैदा कर देती है, डांस की मनस्थिति पैदा कर देती है। बाब और गीत कौन सा गाते हो? क्योंकि बाबा ने कहा क्रिसमस है तो लोग डांस करते हैं और गीत गाते हैं, तो बाबा ने कहा तुम कौन सा गीत गाते हो? बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो। बाप दादा के गुणों के गीत आत्माओं को सुनाते हो, तो रोज उत्सव मनाते हो ना। कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण यह कार्य न करते हो, कोई दिन ऐसा नहीं जो सच्चे ब्राह्मण यह कार्य न करते हो। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है, उत्साह भरे उत्सव का दिन है। वह तो एक दो दिन मनाते हैं, लेकिन बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न सदा भरपूर बन जाते हो। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है, उत्साह भरे उत्सव का दिन। उत्सव शब्द अगर हटा भी दो, केवल उत्साह को ही रख लो तो काफी है। चेक करना है हमको कि उमंग और उत्साह कहां चूक गया, कहां खो गया, कहां रह गया। संगम युग का हर दिन उत्साह भरे उत्सव का दिन है। बाप दादा सभी ब्राह्मण बच्चों को ऐसे श्रेष्ठ बनाते हैं, ऐसी गोल्डन गिफ्ट देते हैं जो सदा के लिए संपन्न सदा भरपूर बन जाते हो। वो लोग क्रिसमस के दिन का इंतजार करते हैं कि क्रिसमस फादर आकर के आज गिफ्ट देंगे। वह क्रिसमस फादर को याद करते और आप किशमिश जैसा मीठा बनाने वाले बाप को याद करते हो।
इतनी गिफ्ट मिलती है, जो 21 जन्म यह गिफ्ट चलती रहती है। अब गिफ्ट का सीक्रेट बाबा ने ओपन किया कि बाबा 21 जन्मों की जो बादशाही देते हैं उसी को बाबा ने गिफ्ट कहा। 21 जन्मों की जो बादशाही बाबा देते हैं उसी को बाबा ने गिफ्ट कहा। यह विनाशी गिफ्ट थोड़ा समय चल समाप्त हो जाएगी। वह यह विनाशी गिफ्ट अनेक जन्म आपके साथ रहेगी। कंपेयर कर रहे हैं बाबा, उनको जो गिफ्ट मिलती है वो ज्यादा समय नहीं चलेगी, हमको जो गिफ्ट मिलती है बाबा कहते हैं वो अनेक जन्म साथ रहेगी। जैसे वो लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, बाप दादा इस बेहद के वर्ल्ड ट्री में आप चमकते हुए सितारों को, संगमयुगी श्रेष्ठ धरती के सितारों को अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। अब फिर बाबा ने कंपेयर किया, जैसे वो लोग अलग अलग सितारे स्टार्स बल्ब्स लगाते हैं चमकते हुए, अब बाबा कहते हैं कि आप ये जो वर्ल्ड ट्री है, कल्प वृक्ष है, तो उस कल्प वृक्ष में आप चमकते हुए सितारों को बाबा क्या कर रहे हैं, अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव कराते हैं। अविनाशी लाइट माइट स्वरूप में स्थित होने का अनुभव, लाइट माइट भी कैसा, अविनाशी, इसका अनुभव बाबा आपको कराते हैं। वो लोग लाइट चलाते हैं, वो लोग स्टार्स लगाते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं आपको ये अनुभव कराता हूं लाइट माइट का। वो लोग भी स्टार को मानते हैं, स्टार सजाते हैं, आप स्टार्स का यादगार स्थूल चमकती हुई लाइट्स के रूप में दिखाते हैं, या लाइट से सजाते या फूलों से सजाते हैं, किसके रूहानी खुशबूदार फूलों ब्राह्मण आत्माओं का। यह सब उत्सव आप संगमयुगी ब्राह्मणों के उत्साह भरे उत्सवों के यादगार हैं। अब बाबा ने कहा ये जो त्योहार मनाते हैं, ये जो फंक्शन हम करते हैं या तिथि तारीख पर, ये आपके भीतर का जो उत्साह है उसी का वो उत्सव बना है। संगम युग पर कल्प वृक्ष के चमकते हुए सितारे, रूहानी गुलाब, आप ब्राह्मण आत्माएं हो, अपना ही यादगार स्वयं देख रहे हो, अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी रतन बनते हो, इसलिए अंतिम जन्म तक अपना यादगार देख रहे हो, डबल रूप का यादगार देख रहे हो, संगम युग के रूप का यादगार भिन्न भिन्न रूप से रीति से दिखाते हैं, और दूसरा भविष्य देवपद का यादगार देख रहे हो। न सिर्फ अपने रूप का यादगार देखते हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के श्रेष्ठ कर्मों का भी यादगार है, बाप और बच्चों के चरित्र का भी यादगार है। तो अपना यादगार देख सहज याद आ जाता है ना, कि हर कल्प हम ऐसी विशेष आत्माएं बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। बाप दादा ऐसे सदा याद में रहने वाले जिन्हों का यादगार अभी है, ऐसे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। याद में रहने वालों का यह यादगार है, याद का महत्व, यादगार देख रहे हो तो डबल विदेशी बच्चों को अपना यादगार देख खुशी होती है ना। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होती है। तो एक तो बाबा ने यादगार की बात की कि आप किन्हीं भी त्योहारों को देख लो, तो या विदेशों में भी जो कई प्रकार के ट्रेंड्स हैं, कई प्रकार के फंक्शंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन बाबा कहते हैं संगम युग से है। और संगम युग से है मतलब संगम युग पे हम ब्राह्मण आत्माओं ने जो भी कर्म किए हैं, जो भी करनी की है हमने, तो वो जो हमारे कर्म हैं उसकी एक रिमेम्बरेंस है, उसकी यादगार के रूप में लोग त्योहार मनाते हैं। लेकिन उन त्योहारों में ये रहस्य गायब है कि इस त्योहार का कनेक्शन कहीं ना कहीं आज से 5000 वर्ष पहले संगम युग से था। उन त्योहारों में
ये बात मिसिंग है उन त्योहारों में, ये बात गायब है कि वो जो ब्राह्मण बच्चे हैं उन्हीं की जो सेवाएं हैं, उन्हीं की जो धारणाएं हैं, उसका कन्वर्जन त्योहारों में हुआ है। ये चीज मिसिंग है। त्योहार तो मना रहे हैं लेकिन जो उसके पीछे का रहस्य है, उसके पीछे का गुप्त रहस्य है, वो उसमें मिसिंग है। बाप दादा को डबल विदेशी बच्चों को देख डबल खुशी होते हैं। कोने कोने में कल पहले वाले बिछड़े हुए खोए हुए बच्चे फिर से मिल गए। खोई हुई चीज अगर मिल जाती है तो खुशी होती है ना। बाप तो सभी बच्चों को देख खुश होते, चाहे भारतवासी हो चाहे विदेशी। दूसरी बात, डबल विदेशी बच्चों की है जो भिन्न धर्म भिन्न रीति रस्म के पर्दे के अंदर छिपे हुए होते भी इस पर्दे को सहज समाप्त कर बाप के बन गए। यह पर्दा हटाने की विशेषता है। पर्दे के अंदर से भी बाप को जानने की विशेषता डबल विदेशियों की है। तो डबल खुशी हो गई ना। डबल विदेशी बच्चों का निश्चय और नशा अपना अलौकिक है। बाप दादा आज चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को विशेष सदा उत्साह में रहने वाले, हर दिन उत्सव मनाने वाले, हर दिन वरदाता बाप द्वारा विशेष वरदान व विशेष आशीर्वाद लेने की डायमंड गिफ्ट बड़े दिल से बड़े दिन के लिए दे रहे हैं सदा उत्सव भरी जीवन भव, सदा उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। अब ये डायमंड गिफ्ट बाप दादा हमको दे रहे हैं तो क्या कह रहे हैं कि सदा उत्सव भरी जीवन भव, सदा सहज उड़ती कला के अनुभवी श्रेष्ठ जीवन भव। ये गिफ्ट बाप दादा बड़े दिन के लिए हमको दे रहे हैं। मतलब बाप दादा हमसे ये कह रहे हैं कि सदा उत्सव जो भरी जीवन है, उस उत्सव भरी जीवन को हमने अनुभव किया है क्या? ये बाबा वरदान दे रहे हैं कि संगम युग में ऐसा उत्सव भरा जो जीवन है उसको अनुभव करो। कैसे करेंगे अनुभव? क्योंकि इस उत्साह का कनेक्शन शरीर से तो बिल्कुल नहीं है, न शारीरिक क्रियाओं से है, न शरीर के कर्मों से है, किसी से भी इसका कनेक्शन नहीं है। तो इसका कनेक्शन इनडायरेक्टली किससे है? इसका कनेक्शन इनडायरेक्टली हमारी अपनी देही अभिमानी जो स्थिति है उससे है। आज तारीख तक हमने उसी उमंग उत्साह को जाना है। इसका कनेक्शन हमारे शरीर से है। हमने दिवाली मनाई, हमने होली मनाई, उन सब का कनेक्शन फिजिकल एक्टिविटी से है, बाहर के कर्मों से है, कुछ विधियों से है, कुछ क्रियाओं से है। इसलिए किसी भी त्योहार की एक दिन तक चलती है, उससे ज्यादा नहीं, एक या दो दिन, उससे ज्यादा वो त्योहार खुशी नहीं टिकती है। क्यों? हमारे त्योहार बॉडी कॉन्शियसनेस जाते हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस में इसको सेलिब्रेट करें। सेलिब्रेशन गलत नहीं है लेकिन जिस कॉन्शियसनेस को होल्ड करके आप ये सेलिब्रेट करते हो वो बहुत मायने रखता है कि आपका वो सेलिब्रेशन कहां तक कंटिन्यू रहेगा। इस शब्द का इस्तेमाल करता है अविनाशी उत्साह, अविनाशी उमंग। तो जब उसमें अविनाशी शब्द जुड़ जाता है
तो शब्दों के मायने बदल जाते हैं, के शब्दों के मुकाम बदल जाते हैं, होली अलौकिक हो जाती है। उसी को होल्ड कर वो हर वो प्रक्रिया कर रहे हैं जिसको उसे रिलीजियस कहते हैं, जिसको धार्मिक कहते हैं। धर्म में क्रियाओं का इतना महत्व नहीं है जितना कि उन धार्मिक क्रियाओं को करने वाले की मन, और दूसरे शब्दों में मन स्थिति माना, या तो वो आत्मिक स्थिति में है, आत्मानी स्थिति में है, या तो देहभान में है। तो देहभान के कारण आपकी खुशियां जो हैं वो क्षणिक, क्षणभंगुर और फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन अगर आप सोल कॉन्शियसनेस में होते हो तो आपकी खुशियों में अंग है वो भरने लगता है, वो बहुत, वो उमंग उत्साह तुम्हें भीतर में, उमंग उत्साह की ऑटोमेटिक फैक्ट्री जो है वो बिल्ड करने के लिए यूटिलाइज हो जाती है। सो आप जब हर त्योहार को सोल कॉन्शियसनेस स्टेट में मनाते हैं या सोल कॉन्शियस त्योहार मनाता है तो उसे उन खुशियों का पता लगने लगता है, खुशियां क्रियाओं में नहीं है, कर्ता में, कौन कर रहा है, इस शरीर के द्वारा करता है वो आत्मा है, तो आत्मा इस शरीर के द्वारा कर्ता का भाव या कर्ता करते कर रही है। तो अगर सोल कॉन्शियस सिद्ध भी करना चाहते हो तो भी आपको ध्यान जो है वो कर्ता पर डालना पड़ता है। तो ये जो कर्ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और त्योहारों में, पूरे हिंदू त्योहारों में कहीं भी कोई सेलिब्रेशन होता है तो ऑलवेज द कर्ता इज एब्सेंट। और की वजह से क्या होता है कि अगर आप ब्राह्मण परिवार में भी कोई त्योहार मनाते हो तो बॉडी कॉन्शियसनेस वाली जो खुशी है उसका नशा चढ़ जाता है, और ये नशा बहुत, क्योंकि जैसे ही त्योहार सेलिब्रेट कर लिया तो आपका नशा भी उतर गया। क्षणभंगुर खुशियां अगर इनकी लत लग जाए, अगर एक क्षणभंगुर खुशियां ब्राह्मण पर अगर इसकी लत लग जाए तो ब्राह्मण भटक जाता है, उसे इस सेलिब्रेट करने की आदत पड़ जाती है, और कर्ता का जो एब्सेंट है वो धीरे धीरे उसके पुरुषार्थ को जीरो कर देता है, उसके अंदरूनी है वो डोलायमान कर देता है। इसके इन सेलिब्रेट करते वक्त खास करके ब्राह्मण परिवार में हरेक को अपनी जो कॉन्शियसनेस है उसको उस मुकाम तक पहुंचाना है जिसको हमेशा बाबा कहते हैं अशरीरी भाव। तो अशरीरी होकर के आपको उन त्योहारों को सेलिब्रेट करने की एक आदत डालनी है। ये नहीं कहा जा रहा है कि त्योहारों को सेलिब्रेट नहीं करना है, ये कहा जा रहा है कि त्योहारों को सेलिब्रेट जब किया जाता है उसकी डीप कॉन्शियसनेस, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग, उसकी डीप अवेयरनेस होकर, और ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जब घर में कोई काम करते हैं, आप जब घर में भोजन करते हैं, सेलिब्रेशन संगम युग की हर घड़ी उत्साह है, तो हमें करना, हमारा थोड़ा सा पानी पीना ये भी उस सेलिब्रेशन का हिस्सा है, क्योंकि पानी पीने वाला तो कॉन्शियसनेस में, अवेयरनेस में पानी पी रहा है, तो उसका पानी पीना भी एक सेलिब्रेशन और एक उत्सव हो गया। तो ब्राह्मण परिवार के जो बड़े बड़े फंक्शंस हैं, ब्राह्मण परिवार के जो बड़े बड़े त्योहार हैं, इन त्योहारों के पीछे हम अपनी कॉन्शियसनेस को डेवलप करने की संधि पाते हैं, अपॉर्चुनिटी पाते हैं, कि बाहर इतनी सारी क्रियाएं हो रही हैं, बाहर इतनी सारी एक्टिविटी है, लेकिन इस एक्टिविटी को साक्षी होकर सेलिब्रेट करने वाला हमेशा अपनी डीप अवेयरनेस में है कि आई एम जो है,
वो आई एम यह शरीर नहीं है, उसका आई एम इस शरीर के है, मैं उसको फील कर रहा हूं, और आई एम सेलिब्रेटिंग थ्रू दिस। ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो अवेयरनेस है, दिस शुड बी द अल्टीमेट अवेयरनेस ड्यूरिंग द फेस्टिवल सेलिब्रेट। क्योंकि इतने सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो हम इसको नजरअंदाज कर देते हैं। तो इसलिए त्योहारों को मनाना बंद करना नहीं कहा जा रहा आपसे, आपसे ये कहा जा रहा है कि त्योहारों के दौरान जो इतने सारी एक्टिविटीज होती है, अपनी अपने आप को खोना मत, अपने आप को गुम मत कर देना, तुम गुम मत हो जाना। और यही तो होता है कि हम गुम हो जाते हैं, और जब हम गए तो जो त्योहारों का बाहरी रूप है, जब हम गुम हो जाते हैं तो त्योहारों का जो बाहरी रूप है, तो ये बाहरी रूप, त्योहारों का जो बाहरी रूप है वो क्या इफेक्ट पैदा करता है कि हम सभी सामूहिक रूप से वो जो त्योहारों का बाहर है उसमें इतने मशगूल हो जाते हैं कि उन त्योहारों को सेलिब्रेट करना ऑलमोस्ट सभी गायब हो जाते हैं, गुम हो जाते हैं। सिर्फ रह जाती है वो एक्टिविटी जिस पर हमारा 100% फोकस आ जाता है, नॉट इवन 5% और 20% और 25%, नॉट इवन 1% उस त्योहार को सेलिब्रेट करने वाले आय को, आई एम को हम होल्ड कर पाते हैं। और ये हैबिचुअल हो जाता है, हर त्योहार उसी ट्रेंड से, मिसअंडरस्टैंडिंग से, उसी नॉन अवेयरनेस स्टेट से सेलिब्रेट होता है। इन बातों को जो समझ रहे होंगे तो वो इस बात की क्लैरिटी को सेंस कर रहे होंगे कि बाहर की एक्टिविटी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, वेदर इट इज फेस्टिवल, वेदर इट इज सेवा, वॉट एवर इट इज, लेकिन भीतर की जो स्थिति है एंड होल्डिंग द सेल्फ, उसको होल्ड करके रखना, दिस इज मच 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 मोर इंपॉर्टेंट देन आउटसाइड एक्टिविटी। लेकिन जब सब लोग उस आउटसाइड एक्टिविटी को इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं तो मुझे लगा कि दिस इज द ओनली वे और दिस इज राइट। पीपल आर डूइंग समथिंग, इट क्रिएट्स एन इंप्रेशन, वो एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करती है कि दे आर राइट। जब बहुत सारे लोग किसी एक चीज को करते हैं तो राइट है। आज की तारीख में देखिए गुजर रहे हैं और बिल्कुल हम पूरी दुनिया पागलों की जैसे काम कर रही है, दवाई का कोई ठिकाना नहीं है, किसको क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है, हर डॉक्टर अपनी राय दे रहा है, हर डॉक्टर अपनी दवाई निकल रहा है। आज एक डॉक्टर एक वीडियो प्रोड्यूस करता है कोविड के बारे में, कल उसका निगेटिव वीडियो आ जाता है। ऐसे छोटे से उदाहरण में दे दूं, अभी किसी ने कहा कपूर सूंघो, लौंग सूंघो, अजवाइन डाल दो उसमें और सूंघते रहो, एक डॉक्टर ना बिल मत सूंघो और खराब कर देगा, क्योंकि ऐसा हुआ कहा कहीं पर, अब वो हुआ नहीं हुआ बात की बात, पर उसका मैं क्रॉस वीडियो आपको बता रहा हूं, जो एक वीडियो चला कि आपको लौंग कपूर अजवाइन की पोटली बनाकर सूंघनी है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, और कईयों ने इसको प्रूव भी किया, तो ये प्रूव किया कि क्रिटिकल स्टेज में जाने के बाद ये इनइफेक्टिव हो जाता है, और इसकी मूर्खता में न पड़े, जबकि एक जगह उसने यही कहा कि
ऑक्सीजन पर था कोई पेशेंट, तो उसके परिवार वालों ने डब्बे में, खाने के डब्बे में डाल के वो पोटली दी कि तू सूंघना करके सीक्रेटली डॉक्टर को मत बताना, और वो ऑक्सीजन सिलेंडर था सारा दिन। और जब उसका ऑक्सीजन लेवल देखा गया तो इतना कम हो गया था 80 के करीब, तो फिर उन्होंने उल्टा लेटा कर ब्रीदिंग करवाया तो उसका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाया, ये उसका अपना था। तो उसने कल किसी ने एक वीडियो निकाल दिया कि स्टेरॉइड्स जो एक निकला है पर्टिकुलर टाइप का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको खाना चाहिए, तो आज मार्केट में स्टेरॉइड्स है ही नहीं। अब कुछ समय के बाद उसका देखो निकलेगा, जो दवाई बहुत फेमस थी लाखों में बिक रही थी अब कहते हैं उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो इस वक्त ये जो मैडनेस है, व्हाई इट इज द मैडनेस, क्योंकि लोगों को ये बताने की व्हाट इज द राइट थिंग, व्हाट शुड बी द राइट थिंग, बिकॉज ये एक ऐसा हम पीरियड से गुजर रहे हैं, हमको अभी इसके बारे में कुछ भी पता नहीं। वैक्सीनेशन का वैसी हो, ऐसे ही जब ब्राह्मण परिवार में कोई एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी को सब लोग कर रहे होते हैं तो हमको लगता है दे आर राइट। ओके, सी व्हाट इज राइटियसनेस, राइट मतलब क्या? ये फेस्टिवल्स आपको तभी सेलिब्रेट करने हैं व्हेन, या दूसरे शब्दों में फेस्टिवल्स कहो, एक्टिविटी कहो, सेवा कहो, कोई भी कर्म कहो, आपको सेल्फ को होल्डिंग करने की एबिलिटी नहीं आप डेवलप कर पाते हो तब तक आपका ये बाहर की एक्टिविटी कहीं ना कहीं ये एक्टिविटी गुमराह करती है आपको, ये सेवाएं गुमराह करेगी, क्योंकि इन सेवाओं का जो मूल है वो खत्म हो गया है, सेवाओं का आधार खंडित कर दिया गया है, फाउंडेशन को डैमेज कर दिया है, फाउंडेशन इज नॉट देयर। और फाउंडेशन है द एबिलिटी टू होल्ड दिस सेल्फ ड्यूरिंग दिस एक्टिविटीज। इसका अभ्यास जो है इसको अवॉइड किया जा रहा है बार बार, बिकॉज वो जो एक्टिविटी है उसको इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, एंड एक्टिविटी को किस एक्टिविटी को करते वक्त हमें अपने सेल्फ को होल्ड करना है के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहा अभी। तो ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण परिवार में बिल्कुल सांसारिक व्यक्तियों की तरह है, क्योंकि जब परिस्थितियां आएंगी तो उसी तरीके से वो अपने आप के साथ डील करेगा या उन परिस्थितियों के साथ डील करेगा जो लोग सांसारिक वे में करते हैं। इसलिए आप अपने घर में रहते इस स्थिति को आप डेवलप कर सकते हैं, होल्डिंग द सेल्फ ड्यूरिंग कैओटिक पीरियड, होल्डिंग द सेल्फ, खुद को होल्ड करके रखना जब आप कोई कर्म करते हो। और हमेशा आपको बताया जाता है इसकी शुरुआत छोटे छोटे कर्मों से करो, इफ यू आर रियली सीरियस, अदरवाइज ये जो परिस्थितियां हमारे लाइफ में हैं ये हमको निचोड़ के और तोड़ के रख देगी, और नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू एट दैट टाइम, यू विल से कि बाबा हेल्प मी, बाबा मुझे मदद करो। ये हमारी मूर्खता है कि हम यहां पहुंच गए बाबा से मदद की भीख मांगने लगे। बाबा कहते हैं तुम हिम्मत, मदद का सवाल नहीं है, हिम्मत का सवाल है। अगर पुरुषार्थ को मैं उस मुकाम तक पहुंचा दूं, अंतिम रिजल्ट तक, जहां हर कर्मों के दौरान मैं अपने आप को होल्ड करने की एबिलिटी को गेन कर पा रहा हूं, अपने आप को पकड़ पा रहा हूं उन एक्टिविटी में और उसे मैं मिस नहीं कर रहा हूं, तो मुझे लगता है कि हर एक्टिविटी आपके लिए उस आत्मा को, उस सेल्फ को होल्ड करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित होगी, एक मौका होगा आपके लिए। तब आप उन त्योहारों का विरोध नहीं कर रहे हो, उन एक्टिविटी का विरोध नहीं कर रहे हो, उन सेवाओं का विरोध, तब आप अपने भीतर विरोध पैदा नहीं कर रहे हो, यानी आप उस एक्टिविटी को, उस उन कर्मों को, उन सेवाओं को करने के दौरान आप बार बार अपने आप को पकड़ोगे,
आदत लगनी चाहिए। तिरसठ जन्मों के संस्कार है, एक सुनना, दूसरा जो सुना वो वर्णन करना या करते आया करूं, इस पर मनन करना चाहिए। अब जैसे शांति की बात होती है, आत्मा शांत स्वरूप है, बाबा ने गले का है शांति, आत्मा का गुणधर्म है। अब ये ज्ञान सुनाओगे आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ज्ञान जब आप सुनाते हो तो थोड़ी देर के लिए बाबा कहते हैं, इसको बाबा ने वर्ड यूज किया अभी मुरली में, यथाशक्ति, मतलब ज्यादा दिन चलते। और जब आप मनन करते हो तो देखिए, मनन के लिए बाबा क्या कहा, मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। मनन स्वरूप की ओर ले जाए, मनन हमको आर की ओर न ले जाए, हमें उसके स्वरूप का अनुभव करना है। और स्वरूप का अनुभव आपकी आपका एक्सप्लेनेशन बने, शांति का अनुभव आपका एक्सप्लेनेशन बने। शांति के बारे में चिंतन आप बहुत कर सकते हो, आप शांति के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स डेवलप कर सकते हो, एक अच्छा खासा वर्कशॉप बना सकते हैं, अच्छा खासा पॉइंट का बना सकते हैं। आप सही अर्थों में जो आपने सुना उसको समझा पाओगे, उसका सही अर्थों में जो मनन होता है उस स्वरूप में होता है। तो हमारा पूरा पुरुषार्थ ये होना चाहिए कि जो मैंने और उस अनुभव को आप चिंतन में बदलते हो। मनन करने वाले सदा जो भी सुनते हैं उनको मनन कर स्वयं भी हर ज्ञान की पॉइंट का स्वरूप बनते हैं। मनन शक्ति वाले गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, ज्ञान स्वरूप और याद स्वरूप स्वतः ही बन जाते हैं, क्योंकि मनन करना अर्थात बुद्धि द्वारा ज्ञान के भोजन को हजम करना। तो मनन की शुरुआत पुरुषार्थ के, मतलब मनन भी हम किसके लिए कर रहे हैं, ताकि हम वो स्वरूप बन जाए। और स्वरूप के बाद जब होते हैं तो वो भी मनन का ही हिस्सा होता है। तो मनन अनुभूति के बाद और मनन अनुभूति के पहले, तो ये मनन के दो स्टेजेस हो गए। मुझे आत्मा का अनुभव करना है, इसके लिए मैं कुछ अपने आप को मनन देता हूं कि मुझे ऐसे ऐसे करना है, ये एक प्रकार का मनन हुआ। फिर मैं स्वरूप बन गया, ठीक है। अब स्वरूप बनने के बाद जब आप उसका वर्णन करोगे तो वो आपके मनन के का हिस्सा होगा, मनन का हिस्सा वर्णन में आएगा। जैसे स्थूल भोजन अगर हजम नहीं होता है तो शक्ति नहीं बनती है, सिर्फ मुख के स्वाद तक रह जाता है, ऐसे वर्णन करने वालों को भी सिर्फ ज्ञान मुख के वर्णन तक रह जाता है, लेकिन वह बुद्धि द्वारा मनन शक्ति द्वारा धारण कर शक्तिशाली बन जाते हैं। मनन शक्ति वाले सर्व बातों के शक्तिशाली आत्माएं बनते हैं। मनन करने वाले मन में बिजी रहने के कारण माया के अनेक विघ्नों से सहज की बुद्धि बिजी है। स्वचिंतन मतलब स्व अनुभव। चिंतन शब्द हमको भटका सकता है अगर हम इसका केवल शाब्दिक अर्थ ले लें, क्योंकि हमारे लिए आज तक चिंतन केवल किसी टॉपिक पर बड़बड़ करना जैसा है। कल तक, जैसे आज भी दुनिया में हर व्यक्ति चिंतन कर रहा है, आज सबसे ज्वलंत जो जिसको कहते हैं कि सबसे हॉट टॉपिक क्या है, कोविड, कोरोना, ये सबसे हॉट टॉपिक है, सबसे ज्वलंत उदाहरण है। एक फायर की तरह पूरे हमारे वर्ल्ड में ये टॉपिक पर लोगों की चर्चा हो रही है। इसके पहले कुछ और चर्चाएं थी, अलग टॉपिक पर थे,
इसको हम चिंतन कहते हैं। सुना, बोल दिया, कुछ अपनी जोड़ दी, इसको चिंतन कहते हैं। मनन, जिसको बाबा ने कहा, अनुभव को कहा कि आप अनुभव करते हैं और उस अनुभव को एक्सप्रेस करने के लिए जो चिंतन उठता है वो सही अर्थों में ज्ञान है। मनन करने से शक्तिशाली बनने के कारण स्वस्थिति कोई भी परिस्थिति में हार नहीं खिला सकते। तो मनन शक्ति वाला अंतर्मुखी सदा सुखी रहता है। समय प्रमाण शक्तियों को कार्य में लगाने की शक्ति होने के कारण जहां शक्ति है वहां माया से मुक्ति है। तो ऐसे बच्चे विजयी आत्माओं की लिस्ट में आ जाते हैं। तीसरे बच्चे, सदा सर्व अनुभवों में मगन रहने वाले। मनन करना यह सेकेंड स्टेज है, लेकिन मनन करते हुए मगन रहना यह फर्स्ट स्टेज है। मनन हमने किया पुरुषार्थ के लिए, फिर मनन करने के बाद हम पुरुषार्थ में लीन हो गए, उस स्थिति में लीन हो गए। बाबा कहते हैं ये फर्स्ट स्टेज है। मगन रहने वाले स्वतः ही निर्विघ्न हो तो रहते हैं, लेकिन उससे भी ऊंची विघ्न विनाशक स्थिति रहती है, अर्थात स्वयं निर्विघ्न बन औरों के भी विघ्न विनाशक बन सहयोगी बनते हैं। अनुभव सबसे बड़े से बड़ी अथॉरिटी है। अनुभव की अथॉरिटी से बाप समान मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति का अनुभव करते हैं। मग्न अवस्था वाले अपने अनुभव के आधार से औरों को निर्विघ्न बनाने के एग्जाम्पल बनते हैं, क्योंकि कमजोर आत्माएं उन्होंने अनुभव को देख स्वयं भी हिम्मत रखती हैं, उत्साह में आती हैं, हम भी ऐसे बन सकते हैं। तो कैसे काम करता है ये अनुभव? अगर आपका अनुभव बहुत गहरा है, अगर आपका अनुभव ऑथेंटिक है, अगर आप जानते हो कि अनुभव किसको कहा जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमको पता ही नहीं होता अनुभव किसको कहते हैं। आप किसी को भी अनुभव कहने लगते हैं, हम कहते हैं भाई आप अपना अनुभव सुनाओ, तो आप अनुभव नहीं लेकिन आंखों देखा हाल सुनाने लगते हो। मान लीजिए किसी से कहा जाता है, कई बार मैं आपको बताता हूँ मुरलियों में, कि किसी को कहा जाए भाई मधुबन में आपने क्या अनुभव किया, तो कहता है कि सात्विक भोजन, भोजन बड़ा अच्छा था, घर में इतना मसाला डालने के बाद भी कुछ मिलता मतलब मजा नहीं आता था, लेकिन वहां जब भोजन खाया ना तो बहुत ही स्वादिष्ट था और अच्छा लगता था। अब वो कहता है ये अनुभव है, अनुभव नहीं है, आंखों देखा हाल है। आंखों देखा हाल मतलब न्यूज रिपोर्टर, आपके जो चैनल सारे हैं मीडिया के चैनल्स, ओके, तो वो जिस तरीके से वर्णन करते हैं तो इस तरीके से हम भी वर्णन करने लगे, उसको अनुभव कहने लगे। अनुभव आपको बाहरी दुनिया का नहीं बताना है कि बाहर आपने मधुबन में क्या किया। अनुभव मतलब आपको अपनी स्थिति, आपका अपना स्थिति में, आपने अपनी स्थिति के हिसाब से क्या अनुभव किया, आपकी अपनी कोई गहरी स्थिति वहां पर बनी, उसको अनुभव कहते हैं। तो इसीलिए किसी ने एक बार एक आर्टिकल में लिखा था, अनुभव माना अणुभव, अणुभव माना अणुभव, मैं अणु हो गया, अणु माना एटम, हिंदी में उसको अणु कहते हैं, तो मैं एटम हो गया, तो मेरी जो एटॉमिक स्टेज थी वो आ गई। साक्षी भाव कहो, ये कहो, इनको हम अनुभव की कैटेगरी में रखते हैं। ये बहुत ही प्राइमरी अनुभव है, ये बहुत फर्स्ट लेवल के अनुभव है, और सेकेंडरी है, फिर बाद में थर्ड लेवल के अनुभव है, वो बड़े बचकाने होते हैं, या इसको हम कहते हैं बच्चों के होते हैं, कि हम वहाँ गए, फिर बाद में हमको एक रूम मिला, रूम बहुत अच्छा था, वहां से हमको सनराइज सनसेट दिखाई पड़ता था, हवा बहुत अच्छी थी, चिड़ियों की महक, उसे कोयल गाती थी। अब ये तो आपको बंबई में भी आज कल कोयल मिल जाएगी, तो कौन सी बड़ी बात है, लेकिन वहाँ के सुनसान, उसमें कोयल बड़ी अच्छी लगती थी। अब ये सिर्फ आप क्या करते हैं कि वहाँ की फैसिलिटी, वहाँ की सुविधा, देखिए ये चीज़ें तो लोग वहाँ भी वर्णन करते हैं जब वो किसी टूरिस्ट स्पॉट में जाके आते हैं। ओके, टूरिस्ट स्पॉट में गए, महाबलेश्वर गए, कुल्लू मनाली गए, वहाँ पर हमको स्पॉट मिला, वहाँ पर सनसेट देखा, बर्फ देखी, पहाड़ थे वगैरह, तो आप भटक कर आए हो, क्योंकि जिसने पहाड़ देखा उसका आपको कोई अनुभव नहीं, और जो दिखा उसका वर्णन कर रहे हो। मधुबन में भी जाने के बाद ऐसी होता है, जो दिखा उसका वर्णन करते हो, देखने वाले का पता ही नहीं है। तो पूरा मधुबन, पूरा टाइम, अभी तो चलो मधुबन जाने के रिस्ट्रिक्शंस हैं, पर पूरा टाइम, इतने 7 दिन 8 दिन आपने क्या किया मधुबन में, जो दिखा केवल उसको रिकॉर्ड करके लेकर आ गए, बाकी जिसने देखा उसकी कोई पहचान, गहरी पहचान आप नहीं जमा पाए। जिसने देखा
उसकी जड़ों को और आप गहरा नहीं कर पाए, जिसने देखा उसकी जड़ों को और अपने भीतर में, अपने जहन में, अपनी पर्सनैलिटी में और भीतर तक आप नहीं उसको इंसर्ट कर पाए, सो अल्टीमेटली आप वैसे के वैसे बनकर आ जाते हो, सिर्फ सिर्फ अपनी मेमोरी में कुछ वीडियोस डाउनलोड करके लेके आते हो। एंड व्हाट आर दोज वीडियोस, जैसे मैंने अभी आपसे कहा हमारी जगह अच्छी थी, हम चार लोग थे, तीन लोग थे, दो लोग थे, सुबह उठ के जाते थे, बाबा की कुटिया में जाते थे, ये कुछ वीडियो जो आप अपने जहन में, अपनी मेमोरी में डाउनलोड करके लेके आए, लेकिन जिसको एक्सपीरियंस करना था, मौका था, अपॉर्चुनिटी थी, खाली जगहें थी, काम धाम नहीं था घर का, तो जिसको अनुभव करना था वो अभी भी बिना अनुभव किए आप बंबई लौट आए हो और बड़े खुश हो जाते हो कि बाप दादा से मिलन मनाया। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि हम कहीं भटक तो नहीं गए हैं, बार बार अपने आप से पूछना है। मगन आत्मा, सदा तृप्त आत्मा, संतुष्ट आत्मा, संपन्न आत्मा, संपूर्णता की अति समीप आत्मा है। अनुभव की अथॉरिटी के कारण सहज योगी, स्वतः योगी ऐसी श्रेष्ठ जीवन, न्यारी और प्यारी जीवन का अनुभव करते हैं। उनके मुख से अनुभवी बोल होने के कारण दिल में समा जाते हैं और वर्णन करने वाले के बोल दिमाग तक बैठते हैं। तो समझा, फर्स्ट स्टेज क्या है? मनन करने वाले भी विजयी हैं, लेकिन सहज और सदा में अंतर है। सदा बात तो अनुभव, लेकिन पहले वर्णन से मनन में आओ, शक्ति मगन स्थिति को सहज प्राप्त करा लेती है। तो वर्णन, मनन और मगन, ये तीन स्टेज की चर्चा आज बाबा ने की। ज्ञान सुना, वर्णन किया, ज्ञान सुना सिर्फ उसका मनन किया, चिंतन किया, लेकिन मनन से आगे बढ़ो, मगन में चले जाओ, मनन करते करते मगन में चले जाओ, और जब आप मगन में चले जाते हो तो मनन खत्म हो जाता है, फिर मग्न अवस्था में आप डूब जाते हो, क्योंकि अनुभूति में मनन नहीं चाहिए, न चिंतन चाहिए। तो भले हमारी शुरुआत चिंतन से होती है, पर कब तक वर्णन करते रहोगे? लेकिन उससे भी थोड़ी बहुत खुशी होती है, पर वर्णन करने वाले अपनी खुशी को अविनाशी नहीं कर पाते। फिर मनन थोड़ा और गहरा, स्व पुरुषार्थ के लिए, उससे भी गहरा है मगन, कि अब कुछ भी उस स्थिति के बारे में आपको चर्चा, चिंतन और मनन करने की जरूरत नहीं है, अब आप उसमें डूब चुके हो। आप स्विमिंग पूल की वर्णन करते हो, पानी का वर्णन करते हो, उसकी ठंडक का वर्णन करते हो, लहरों का वर्णन करते हो, जितना अंदर जाओ उसके दाब का, उसके दबाव का अनुभव करते हो कि कैसे वो प्रेशराइज करता है, व्हाटएवर, कैसे वो अनुभव होता है, जो भी है आपने किताब पढ़ी है। लेकिन जब आप पानी में डूब जाते हो, फिर उस किताब की कोई जरूरत नहीं, तब आपको सोचना नहीं पड़ता किताब में क्या लिखा है, अब सीधे सीधे आपका जो कनेक्शन है, सीधे सीधे आपका जो संवाद है, सीधे सीधे जो आपका आपका जो मिलाप है वो पानी से हो गया है, अब आप डायरेक्टली पानी को सेंस कर रहे हो, तो उन किताबों की आपको कोई जरूरत नहीं है जब जो आपने पानी के बाहर पढ़ी थी। द सेम थिंग, मनन तब तक ठीक है जब तक मगन अवस्था न पहुंचे, मगन अवस्था एक बार पहुंच गई, मनन की जरूरत नहीं होती है। और ये कैसे मालूम पड़ेगा कि आप मगन अवस्था में चले गए हो? अगर आपका मनन और चिंतन नहीं चले तो समझ जाना मगन अवस्था में चले गए हो, और प्लस मगन अवस्था में खुशी, आनंद ये बढ़ता जाएगा आपका, मगन अवस्था के बाद ये घंटों तक रहेगा, वो अनुभव इतना गहरा और इतना इतना मजबूत होगा कि आप उसको कई दिन तक भुला ही नहीं पाएंगे, आप चाहे भी तो नहीं भुला पाएंगे, इसको मगन अवस्था कहते हैं। तो मगन अवस्था जितनी गहरी होगी, क्योंकि एक ऊपर ऊपरी तौर पर भी हो सकती है और गहरी भी हो सकती है, जितनी मगन अवस्था गहरी होगी उतना उसका असर जो है वो बहुत टिकाऊ होगा। जैसे शांति का अनुभव, अगर मैंने शांति का बहुत गहरा अनुभव किया हो, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे अशांत कर दे, मेरे जीवन में घटने वाली, लेकिन अगर मैंने शांति का बहुत मगन वाला अनुभव नहीं किया हो, अगर शांति की स्थिति में मगन नहीं हुआ हूं, तो मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने शांति का अनुभव, 4 दिन की चांदनी जैसा किसी भी कारण से मैं फिर अशांत स्थिति का अनुभव करूंगा। तो वर्णन, मनन और मगन, इस पर फोकस कीजिए, और अभी तो हम मगन अवस्था को अचीव कर लें। मगन रहने वाला सदा बाप की याद में समाये रहता है, तो सदा अपने को गायन पूजन योग्य बनाओ,
मनन शक्ति वाले, मगन रहने वाले, सदा पूज्य वर्णन करने वाले सिर्फ गायन योगी नहीं होते हैं। सेवाधारी तो तीनों हैं, लेकिन सेवा का प्रभाव नंबर वार है। नंबर वार में नहीं आना, नंबर वन बनना है। अच्छा, सदा अपने को डबल राज्य अधिकारी, डबल ताजधारी, श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करने वाले, सदा मनन शक्ति द्वारा मगन स्थिति का अनुभव करने वाले, सदा बाप समान अनुभवी, मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्थिति के अनुभवी मूर्त बनने वाले, सदा अपने शक्तिशाली पूज्य स्थिति को प्राप्त करने वाले, ऐसे नंबर वन सदा विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान है आज का, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भाव। आजकल सदा निश्चिंत रहने, समझा रहे हैं बाबा इसको, जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में, ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि हैं, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य या संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। सुविचार है, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। अच्छा, ओम शांति। पढ़ते हैं साथ साथ वो चलते।